दोस्तों नमस्कार, मैं रामलाल आप सभी का अपने यात्रा प्लस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज आपको लिए चलता हूं मुंबई के मध्य रेलवे के दीवा जंक्शन से कलवा की ओर। दोस्तों दीवा जंक्शन डोंबिवली के बाद पड़ता है और उसके बाद मुंब्रा, फिर उसके बाद कलवा आता है। दोस्तों इसमें खूबसूरत दृश्य आपको दिखा रहे हैं, छोटा सा एक वीडियो है। देखिए सामने मुंब्रा की पहाड़ियाँ, जिसे कि जो कि पारसिक पहाड़ी के नाम से जानी जाती है, और ये जो हमारी ट्रेन है चलते चलते अचानक रुक गई, और ये देखिए दो बंदे उतरे हुए हैं यहाँ से। ये खूबसूरत पारसिक पहाड़ियाँ, जिसे मुंब्रा की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। और दोस्तों इस समय मैं चल रहा हूँ स्लो ट्रेन से, और ये जो ट्रैक है वो है नया ट्रैक जो अभी खुल गया है, यानी कि पांचवी और छठवीं लाइन जो दीवा और थाना के बीच में बनने वाली थी वो पूरी हो चुकी है और उसी पे हम चल रहे हैं। और दोस्तों हमारी ट्रेन अब पहुंचने वाली है मुंब्रा स्टेशन। मुंब्रा काफ़ी विकसित हुआ एरिया है, क्षेत्र है, और मुंबई से लगभग 35 किलोमीटर की दूर पे है ये। और ये है दोस्तों मुंब्रा की खाड़ी। खूबसूरत ये स्लो ट्रैक है दोस्तों, इसलिए पूरा घूम के जाती है ट्रेन हमारी पारसिक पहाड़ियों से, पूरा सीधा तो नहीं निकलती है। और जो फास्ट ट्रैक है, मेन लाइन है, वो सीधे पारसिक टनल से होते हुए निकल जाती है थाना। और हमारी ये जो स्लो ट्रेन है वह मुंब्रा कलवा होते हुए थाना पहुँचती है मुंब्रा। दोस्तों इन्हीं पारसिक पहाड़ियों के ऊपर एक मुंबा देवी मैया का मंदिर भी है। और वैसे तो मुख्य मुंबा देवी मंदिर तो हमारे मुंबई में है, मुंबई कालबा देवी में। और ये है दोस्तों मुंब्रा की खाड़ी। जी हाँ, ये अरब सागर का मुंबई में, जैसा कि आप जानते हैं अरब सागर है। यह है मुंब्रा कलवा के बीच बना हुआ नया रेलवे ब्रिज, काफ़ी लंबा ब्रिज है, इसे बनने में काफ़ी वक्त लग गया। और इस समय हम दोस्तों पुराने टनल से चल रहे हैं, नया टनल इसके बाईं ओर है। तो दोस्तों अब हम शीघ्र ही पहुंचने वाले हैं कलवा स्टेशन, और उसी के साथ हमारी यात्रा समाप्त होगी। दोस्तों यदि आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ये बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। और सामने ये है कलवा यार्ड। और दोस्तों अपना ख्याल रखें, और इसी के साथ अपने दोस्त रामलाल को इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।